हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्किल विद सृष्टि ये वीडियो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए है जो ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल सब्जेक्ट जिन्होंने चूज किया है इस वीडियो में मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूं जिसमें टोटल ट्वेंटी वन क्वेश्चन है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्या पैटर्न रहेगा क्या मार्किंग स्कीम रहेगी वो सभी यहाँ पे डिस्कस होगा तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सब्जेक्ट कोड है 401 और सब्जेक्ट का नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दो घंटे का ये एग्जाम होगा जिसमें फिफ्टी मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम होगा दो पार्ट्स हैं इसमें पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में इम्प्लॉबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे टेन मार्क्स के और पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आएंगे फोर्टी मार्क्स के जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ठीक है सो जो इम्प्लॉबिलिटी स्किल्स है वो तो पांच यूनिट्स में डिवाइडेड है कम्युनिकेशन स्किल सेल्फ मैनेजमेंट आईसीटी एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स ये पांच यूनिट्स आएंगे और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है उसमें आपके चार यूनिट्स हैं पहला यूनिट है बेसिक स्किन केयर सर्विसेज दूसरा है बेसिक डेपिलेशन सर्विसेज तीसरा है मेकअप सर्विसेज और फोर्थ है क्रिएटिव पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस ये फोर्थ आपका यूनिट है तो अब हम चेक कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला सेक्शन ए का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन रोमन नंबर वन आप देखिए यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और आंसर राइट हैंड साइड में आएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन है नेम टू कमांड कीज तो इसका आंसर क्या रहेगा कमांड uh, कीज के एग्जाम्पल बताने तो आप इंसर्ट एक कमांड की है आप लिख सकते हैं डिलीट एक कमांड की है आप लिख सकते हैं और बैक एक कमांड की है आप लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन है एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप अगर दो कमांड कीज लिख देते हैं तो आपको वन मार्क्स मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ सेल्फ अपना अपने की खुद की नॉलेज होना अपनी कैपेबिलिटीज की नॉलेज होना अपनी फीलिंग्स और अपने कैरेक्टर की नॉलेज होना इसे हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में तीन ऑप्शन आए हैं सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन तो इसका आंसर क्या रहेगा सेल्फ अवेयरनेस क्योंकि हमें सेल्फ का कॉन्शियस नॉलेज है तीसरा क्वेश्चन है गिव वन रीजन वाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फीडबैक कम्युनिकेशन स्किल में था तो कम्युनिकेशन uh, साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो क्वेश्चन पूछा गया है फीडबैक इंपॉर्टेंट क्यों है एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या लिख सकते हैं फीडबैक वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग फीडबैक मोटिवेट्स फीडबैक बूस्ट लर्निंग फीडबैक इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ठीक है तो ये चारों में से अगर आप कोई भी एक ऑप्शन लिख देंगे तो आपको वन मार्क मिल जाएगा फोर्थ क्वेश्चन देखिए द सेवनटीन टू टेक केयर ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज फेसिंग सेवनटीन एसडीजी एसडीजी क्या थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाए गए हैं वो किसके लिए बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के लिए सोसाइटी के लिए या सबके लिए तो आंसर क्या रहेगा सबके लिए बिजनेस गवर्नमेंट सोसाइटी सभी के लिए ये जो एसडीजी यूएन जो ये सत्रह एसडीजी बनाए हैं ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा तो आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ दी अबव आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑनटरप्रीनोर्स नीड डैश टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज वर्क टीम्स ऑन्ट्रप्रेनोर्स को किन चीज की जरूरत होती है अपनी टीम को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए फर्स्ट इज एटीट्यूड एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है लीडरशिप की जरूरत पड़ती है अप्रोचेबल की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है मैनेजमेंट में लीडरशिप की ठीक है तो लीडरशिप यहां पर आंसर रहेगा सिक्स इज डैश कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने में यूज किया जाएगा कंट्रोल प्लस ए तो आंसर क्या है कंट्रोल प्लस ए आईसीटी स्किल का क्वेश्चन है एक नंबर का आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट क्वेश्चन विच सेल इज फोर्थ लेस विजिबल एपिडर्मल सेल एपिडर्मल सेल में फोर्थ लेवल पे कौन सा सेल आता है तो आंसर क्या है मर्कल सेल क्या आंसर है मर्कल सेल ठीक है सेकेंड इज स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर को हम क्या कहते हैं हॉर्नी लेयर ग्रेनुलर लेयर या बेसल लेयर तो आंसर क्या रहेगा हॉर्नी लेयर थर्ड हेल्दी स्किन रिक्वायर स्पेशल केयर टू मेंटेन इट्स हेल्थ इलास्टिसिटी वाइब्रेंसी एंड हेल्दी स्किन में हमें क्या स्पेशल केयर रखनी पड़ती है कि हमें हेल्थ अच्छी रखनी है इलास्टिसिटी अच्छी रखनी है वाइब्रेंसी और कलर कलर तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा आपका कलर फोर्थ व्हाट पार्ट ऑफ द स्किन इज ऑफन रेफर टू एस ट्रू स्किन इनमें से कौन सा पार्ट आप ट्रू स्किन में रेफर करोगे पहला है डर्मिस दूसरा एपिडर्मिस तीसरा स्ट्रेटम कॉर्नियम तो आंसर यहां पे क्या रहेगा डर्मिस पांचवा क्वेश्चन है इट इज अ बैलेंस बिटवीन ड्राई एंड ऑयली स्किन ड्राई और ऑयली स्किन के बीच में बैलेंस क्या क्रिएट करता है ड्राई स्किन ऑयली या नॉर्मल नॉर्मल स्किन ठीक है तो नॉर्मल स्किन क्या होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ड्राई का भी कॉम्पोनेंट होता है और ऑयली का भी कॉम्पोनेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी यूज डैश टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज एक्मिलेट इन द पोर्स पोर में जो भी इम्प्योरिटीज एक्मिलेट हो रही है उसे हम रिमूव कैसे करते हैं क्लेंजिंग से टोनिंग से मॉइस्चराइजिंग से सो so आंसर क्या है क्लेंजिंग से क्लेंजिंग जब हम करते हैं तो अपने पोर की जितनी भी इम्प्योरिटीज उसको हम रिमूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला क्वेश्चन है द ओनली परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड एज इट डिस्ट्रॉयज द हेयर फॉलिकल ऐसा कौन सा मेथड है जो हेयर फॉलिकल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ट्विजिंग है फैक्सिंग है इलेक्ट्रोलिस है क्या आंसर रहेगा

फिर फोर्थ क्वेश्चन है पैच टेस्ट इज रिकमेंडेड बिफोर पैच टेस्ट हम कब करते हैं ब्लीचिंग से पहले करेंगे वैक्सिंग से पहले या फिर थ्रेडिंग से पहले ब्लीचिंग से पहले पैच टेस्ट करते हैं आंसर क्या रहेगा ब्लीचिंग फिफ्थ क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल हेयर ग्रोथ साइकिल का पहला स्टेज क्या है एनाजन है कैटाजन है टेलोजन है क्या आंसर है एनाजन एनाजन पहला स्टेज है हेयर ग्रोथ साइकिल का सिक्स क्वेश्चन द रेस्ट पीरियड फॉर हेयर फॉलिकल इज कॉल्ड एज हेयर फॉलिकल का रेस्ट पीरियड क्या बोलोगे टिलोजन एनाजन या कैटाजन रेस्ट पीरियड क्या है टीलोजन क्वेश्चन नंबर फोर देखो पहला क्वेश्चन विच पिगमेंटेशन इज यूज टू प्रोड्यूस आई मेकअप कलर्स आई मेकअप के कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पिगमेंटेशन इस्तेमाल किया जाता है परलीस्ट एजेंट ब्लू या गम्स आंसर तो क्या रहेगा कोबाल्ट ब्लू जिससे कि आपके आई मेकअप कलर्स बनते हैं सेकेंड इज वर्क एरिया शुड बी क्लीन टाइडी वेल ऑर्गेनाइज वर्क एरिया तो सब होना चाहिए तो इसमें आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन क्या है इट इज डिजाइन टू अचीव अ स्मूथ एंड फ्लॉलेस फिनिश ऑन फेस आपके चेहरे पे फ्लॉलेस फिनिश स्मूथ फिनिश किससे आएगी फेस पाउडर ब्रश से आएगी ब्लशर ब्रश से आएगी या काउंटर ब्रश से आएगी बताइए फेस पाउडर ब्रश से आएगी फोर्थ पॉइंट है फोर्थ uh, क्वेश्चन है बिफोर यूजिंग इट शार्पन इट टू एक्सपोज अ न्यू सर्फिस इनमें से क्या चीज आप शार्पन करोगे एक नया सर्फिस लाने के लिए आई लिप पेंसिल लिपस्टिक या मस्कारा आंसर क्या है आई और लिप पेंसिल पेंसिल्स को तो आप शार्पन कर सकते हो ना लिपस्टिक शार्पन करोगे ना आप मस्कारा को शार्पन कर सकते हो से कौन सा आप इस्तेमाल करोगे आई एरिया को डिफाइन करने के लिए एरिया को एक्सेंचुएट करने के लिए तीन ऑप्शन है कंसीलर फाउंडेशन आई लाइनर सही आंसर क्या है आई लाइनर सिक्स क्वेश्चन है डैश और यूज टू इम्प्रूव और करेक्ट इम्परफेक्शन स्किन हमारे स्किन में जो इम्परफेक्शन होते हैं उनको इम्प्रूव हम कैसे करते हैं फेस पाउडर से कंसीलर से फाउंडेशन से कंसीलर से कंसीलर लगाते हैं तो क्या होता है जो भी हमारे इम्परफेक्शन डार्क सर्कल है वो हट जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पहला क्वेश्चन अ डैश टूवर्ड्स वर्क एन अदर पीपल काम के प्रति हमें कैसा एटीट्यूड दिखाना होता है पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल पॉजिटिव एटीट्यूड सही आंसर क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड तो आपको वन मार्क मिल जाएगा सेकंड यहाँ पे क्या है फिफ्थ का सेकंड पॉइंट सेकंड क्वेश्चन देखो द क्लाइंट्स डैश कंफर्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है क्लाइंट का फिजिकल कंफर्ट मेंटल कंफर्ट या नेचुरल कंफर्ट सबसे ज्यादा कौन सा कंफर्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल कंफर्ट क्योंकि वो आपके सलॉन में आपके सेंटर पे आया है थर्ड क्वेश्चन है स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन इज अ लिटिल डैश टू कम्युनिकेटिंग विद पर्सन फेस टू फेस टेलीफोन पे बात करना और फेस टू फेस बात करना दोनों में अंतर क्या रहेगा दोनों में अंतर है इसलिए आंसर क्या रहेगा डिफरेंट ना ये इजी है ना ये टफ है ये है डिफरेंट ठीक है फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे फोकस योर डैश ऑन समथिंग दैट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कम्युनिकेशन आप इनमें से किन चीजों पे फोकस करेंगे जिससे कि आप कम्युनिकेशन में कॉन्सेंट्रेट कर पाओ आईज पे फोकस करोगे नोज पे या माउथ पे किस पे फोकस करोगे आईज पे तभी तो हम कहते हैं ना आई कॉन्टेक्ट करना जरूरी है फिफ्थ क्वेश्चन आस्क टू डैश द कॉलर कॉलर नीड के नीड्स को uh, क्या करने के लिए हम क्वेश्चन सवाल पूछते हैं स्पेसिफाई करने के लिए नोटिफाई करने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए आंसर क्या है क्लैरिफाई क्लैरिटी लाने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं सिक्स क्वेश्चन है ऑल डैश मस्ट बी रिटर्न नीटली एंड एक्यूरेटली सारे मैसेजेस नेटली uh, लिखे जाएंगे इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी या फिर फोन कॉल लिखे जाएंगे तो आंसर क्या है मैसेजेस लिखे जाएंगे नीटली और एक्यूरेटली। सारे क्वेश्चन सीबीएसई स्टडी मटेरियल हैं तो अगर आप स्टडी मटेरियल सही से पढ़ रहे हैं तो आपके फुल नंबर आएंगे फिफ्टी में से फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए लिस्ट फोर कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन चार कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए अब ये दो नंबर का क्वेश्चन आ गया ठीक है बीस से तीस वर्ड का इसमें लिमिट है तो चार मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल नोटिस पोस्टर बिजनेस मीटिंग्स आप राइट हैंड साइड से मैं पढ़ के बता रही हूँ यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है इन चारों में से आपने कोई भी दो लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे सॉरी uh, दो नहीं अगर चार पूछा है ना उसने तो चार ही लिखने हैं लिस्ट फोर कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तो चार लिखोगे तभी दो नंबर मिलेंगे ठीक है चार बोला है दो लिखोगे तो एक नंबर मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या मतलब होता है रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है जब हम ह्यूमन एफर्ट्स पर फोकस करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहे हमारा माइंड हेल्दी रहे उसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर एट देखो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर आईसीटी का क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टाइप एंड वर्क विद टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप कंप्यूटर पर अच्छी तरह से टाइप कर सकते हो वर्क भी कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर से आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो लेटर मेमो न्यूज लेटर और उसको वर्ड प्रोसेसर में सेव भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है वट यू मीन बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान क्या होता है बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ बिजनेस गोल्स द रीजन दे आर बिलीव अटेनेबल एंड द प्लान फॉर रीचिंग दोज गोल्स तो बिजनेस प्लान क्या होता है जब हम बिजनेस गोल्स को राइट डाउन कर लेते हैं और हम उसको अटेन करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस प्लान दो नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है डेफिनेशन बताओ तो डेफिनेशन क्या है इट इज द डवलपमेंट दट सटिसफाइज द नीड्स ऑफ द प्रेन्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन गारेटिंग द बैलेंस बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबिंग तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है जब हम प्रेजेंट के नीड्स को सैटिसफाई करते हैं और फ्यूचर के जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज uh, नहीं करते हैं तो हम एक बैलेंस बनाकर चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आपके डेफिनेशन लिख दोगे ग्रीन स्केल का ये क्वेश्चन uh, है तो आपके दो मार्क्स uh, जो है उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए मेलानोसाइट्स आर फाउंड इन द बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ये एक स्टेटमेंट दे दिया इसको बोला एक्सप्लेन करो तो मेलानोसाइट बेसल लेयर पे फाउंड किए जाते हैं तो क्या काम होता है तो मेलानोसाइट क्या करता है वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है और मेलानिन से हमारे स्किन का कलर जो है वो तय होता है मेलानिन इज पैकेज इन स्मॉल पार्सल्स फॉर मेलोनोजोम और जिसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है कैरेटिनोसाइट्स में टेक्निकल साइंटिफिक राइट नोट लिखने के लिए बोल दिया तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ द हेयर ग्रोथ साइकिल इज कैटे क्योंकि पहला कौन सा होता है आपका एनाजन तो कैटेजन में क्या होता है हेयर फॉलिकल अंडर अ पीरियड ऑफ चेंज एंड डू नॉट ग्रो कैटाजन में हेयर जो है वो नहीं उगता और दो हफ्ते तक वो नहीं उगता है फिर नए सेल्स फॉर्म होते हैं और कि एक टाइम एक समय पे सिर्फ एक परसेंट फॉलिकल्स होते हैं तो टू मार्क्स तो आ जाएंगे राइट एंड ट्रैक्ट पर देखो पोजिशन द क्लाइंट पहले क्लाइंट को पोजिशन कर दीजिए जहां पे एरिया वैक्स करना है सेकेंड क्लाइंट के क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करिए कैसे टाउल्स और डिस्पोजेबल पेपर से थर्ड जब आप आई वैक्स कर रहे हैं तो आप आई पैड्स लगाइए ताकि आप आईज को प्रोटेक्ट कर सके और पेट्रोलियम जेली को यूज़ कीजिए ताकि कंट्रोल uh, हो सके अमाउंट ऑफ हेयर बिंग रिमूव फोर्थ स्टेप है कि सारी ज्वेलरी आप रिमूव कर दीजिए जहां पे आपको वैक्स uh, करना है तो आर द यूजेज ऑफ आई लाइनर ब्रश आई लाइनर ब्रश का क्या यूसेज होता है तो आंसर क्या है आई लाइनर क्या होता है अप्लाई डीप द लास्ट लाइन फॉर अ रिचर एंड मोर डिस्टिंक्ट आई अगर हम अपनी आईज को ज्यादा रिचर और ज्यादा डिस्टिंक्ट बनाना चाहते हैं तो वी यूज आई लाइनर. तो हम आई कैसे इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स ब्रश अपवर्ड्स टू सॉफन हम उसको ऊपर की तरफ ब्रश करेंगे सॉफन करने के लिए और ब्लेंड करेंगे उसको अपनी नेचुरल आई लाइन से ताकि हमें एक स्मोकी आई का इफेक्ट मिले ठीक है तो ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं कुछ नहीं है लेकिन अगर आई लाइन ब्रश का यूजेस बताए गए हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर है राइट द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन अवेलेबल इन द मार्केट मार्केट में किस किन तरह के फाउंडेशन अवेलेबल हैं दो नंबर का क्वेश्चन है तो जितने भी फाउंडेशन अवेलेबल हैं वो सारे लिखोगे पाउडर क्रेम फाउंडेशन क्रेम कॉम्पैक्ट फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन जेल टिंटेड मॉइस्चराइजर माउस फाउंडेशन ठीक है नेक्स्ट है वट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर स्पीकिंग ऑन द फोन फोन पे बोलने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए तो क्या 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 हमें याद रखना चाहिए पहला हमें क्लियरली बोलना चाहिए दूसरा हमें माउथ पीस में डायरेक्टली बोलना चाहिए तीसरा अगर हम बैठे हैं तो हमें अपने पोस्चर को ठीक रखना है क्योंकि उससे वॉइस इंपैक्ट होती है चौथा हमें एफिशियंट रहना है हमें फ्रेंडली रहना है और हमें स्माइल करते रहना है ठीक है सो दिस इज द दिसंट दैट वी नीड टू रिमेंबर बिफोर स्पीकिंग ऑन द फोन

उसका जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फिर आप बताएंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कॉस्मेटोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है तो पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आराम से इस आंसर को पढ़िए याद करने की कोशिश कीजिए आई विल शेयर द लिंक विद यू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन इज वट आर द बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं क्या थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं लेस पेनफुल है लेस टाइम कंज्यूमिंग है थ्रेडिंग क्विकर है हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहता है कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता पर साइज हो परफेक्ट रहता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं आप लिख सकते हैं थ्रेडिंग के बेनिफिट्स के लिए कम से कम चार से पांच यूजेस तो लिखिए अगर आपको चार में से चार मार्क्स चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए राइट द प्रोसीजर फॉलोड इन ब्लीचिंग ब्लीचिंग का प्रोसीजर पूछ लिया एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो क्या क्या ब्लीचिंग के प्रोसीजर्स है स्टेप नंबर वन इज कलेक्टिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज द एज ऑफ द क्लाइंट कंडीशन टाइम गैप सेकंड उसको कंफर्टेबल चेयर ऑफर करो थर्ड हेडबैंड रैप करो और क्लोथ्स को कवर करो विद द लास्ट ऑल फोर्थ स्टेप आप क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई करोगे फेस एंड नेक पे फिफ्थ स्टेप आप नेक एंड फेस की मसाज करोगे अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मॉइस कॉटन के साथ सिक्स स्टेप आप पेस्ट प्रिपेयर करोगे जिसमें आप ब्लीच क्रीम टू टू थ्री स्पैचुला इस्तेमाल करोगे टू टू थ्री ग्रेनुल्स ऑफ अमोनिया इस्तेमाल करोगे उसे ब्लेंड करोगे स्टेप नंबर सेवन आप उस पेस्ट को अपर लिप पे पहले यूज करोगे और फिर उसको फेस पे दूसरे रेस्ट ऑफ द फेस पे अप्लाई करोगे क्योंकि आप पैच टेस्ट कर रहे हो ठीक है स्टेप नंबर नाइन इज वेट फाइव टू सेवन मिनट्स फॉर द ब्लीच टू प्रोसेस पांच सात मिनट आपको रुकना है उसके बाद लिटिल ब्लीच रिमूव करते जाइए फ्रॉम फ्यू स्पॉट्स एंड ऑब्जर्व फॉर द कलर ऑफ द हेयर हेयर का कलर क्या होता जा रहा है लास्ट तक क्या अगर हेयर अच्छे से ब्लीच नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और आप रुक सकते हैं तो जो भी ब्लीचिंग uh, का जो भी प्रोसीजर है वो आप डिटेल uh, में लिखेंगे फोर मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है राइट द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग मेकअप ब्रशेस मेकअप के जो ब्रशेस होते हैं उसे कैसे क्लीन करना उसके उसका स्टेप्स पूछ लिया इन लोगों ने तो इसमें आप क्या बोलेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर वन टू बी क्लीन इन हॉट सोपी वाटर जो भी ब्रशेस हैं आप उसको हॉट सोपी वाटर में धो सकते हैं फाइबर्स में आप उसको क्लीन कर सकते हैं फाइबर्स को स्टेप नंबर टू आप उसको रनिंग वॉटर नीचे धो सकते हैं स्टेप नंबर थ्री आप उसको एल्कोहल सोल्यूशन में धो सकते हैं या फिर ब्रश क्लीनर में धो सकते हैं स्टेप नंबर फोर आप ड्राई ब्रशेस को सॉरी uh, ब्रशेस को आप ड्राई कर सकते हैं इस पर प्रोसीजर जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है तो ये सारे तरीके हैं आप कैसे मेकअप ब्रशेस को साफ कर सकते हैं चार नंबर का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन लिस्ट द बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग गुटखा और पान मसाला जो लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं उनके उनको क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं ये क्वेश्चन आगे चार नंबर का तो इसमें आंसर में क्या लिखा है ईच सैशे हर सैशे जो भी गुटखा का सैशे होता है उसमें चार हजार केमिकल्स होते हैं जिसमें पचास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे बीटल नेट टोबैको एंड फ्लेवरिंग गुटका का इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या होता है चार नंबर क्वेश्चन है डिटेल में लिखना जैसे कि लॉस ऑफ सेंसेशन एन टंग टंग में जो सेंसेशन होती है चली जाती है माउथ डिस्क फिगर हो जाता है हीट के लिए सेंसिटिविटी uh, हो जाती है कोल्ड के लिए और मसाले भी नहीं खाए जाते माउथ ओपन नहीं कर पाते हैं स्वेलिंग लम्स रफ स्पॉट्स हो जाते हैं गम्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग इन द माउथ एंड स्वालो करने में डिफिकल्टी हो सकती है फाइनली माउथ कैंसर हो सकता है सो देर आर लॉट ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग गुट का पान मसाला अगर आप इसको डिटेल में लिखोगे यू विल गेट फोर मार्क्स तो वन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ब्यूटी एंड वेलनेस में ठीक है तो आपने देखा ना किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ उठाया जा रहा है ठीक है छोटे क्वेश्चन है वन मार्क्स के हैं टू मार्क्स के हैं और फोर मार्क्स के तो अकॉर्डिंगली आप लिखना है वन मार्क का है तो बहुत ब्रीफ में आंसर देना है टू मार्क्स का है तो आपको तीस से चालीस वर्ड में देना है और Uh, चार नंबर का है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना है और डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बस एक्सपैंड कर रहे हैं मेक श्योर sure कि वो रिसोर्सफुल आंसर हो उसमें इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हों आई होप आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझ में आया फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट में मुझे बताना टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम और एग्जाम अच्छा जाए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटी एंड वेलनेस एग्जाम इन सीबीएसई बोर्ड टू